ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आपने ये सारी चढ़ाई चढ़नी है और ये चढ़ते जाएंगे, यहाँ तक गाड़ी भी आ जाती है। और आपको मैं दिखाता हूँ, वो देखें, नज़र आ रहा है यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो फिशिंग करने आते हैं, और यहाँ पे बड़ी फिश लगती है, हमेशा 1-1.5 किलो तक लग जाती है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी भी लगती है। तो यहाँ तक आराम से गाड़ी आ जाती है, जो आम गाड़ी होती है मेहरान टाइप आप लगा लें या ट्योटा, तो आप इधर साइड पे खड़ी भी कर सकते हैं। मैं आपको जगह दिखाता हूँ, ये जगह पे आप गाड़ी खड़ी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के पास जीप वगैरह है या डाला है तो वो आप नीचे भी लेके आ सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाइक तो आराम से यहाँ से चली जाती है, 70 हो, 1-5 हो, कोई भी हो। और एक और चीज़ की भी निशानी है, वो सामने दरबार है, आप दरबार का भी किसी से पूछ सकते हैं कि जो डैम के साथ बना हुआ है। तो ये दो निशानी है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट हम आगे चेक करवाते हैं। तो व्यूअर्स, ये मैं नीचे आ गया हूँ बिल्कुल, आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ कि वहाँ से आप नीचे आ जाएं। इसके बाद ये सारा डैम शुरू हो जाता है, और इस डैम का बहुत ही यहाँ पे प्यारा व्यू है, ये आप देख लें। यहाँ पे मैंने बताया बहुत मुख्तसर लोग आते हैं मछलियों के लिए। वो सामने जो मेन पार्क है लैक्यू पार्क, वो सामने है, और वो वाला जो पहाड़ी एरिया है, वो वाला इसका एक और फिशिंग पॉइंट है। लेकिन वहाँ पे बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे कचरा बहुत पड़ा है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं आपको ये थोड़ा सा विज़िट करवा देता हूँ। ज़्यादातर लोग यहाँ पे रात का शिकार करते हैं, और 1,000 रुपये की पर्ची बनती है, ये आपने याद रखना है। आप अचानक यहाँ पे आके बैठे हो और आप फिशिंग कर रहे हो, और उसके बाद जनाब आपको पुलिस वाले आ जाएंगे, या ये जो फॉरेस्ट वाले हैं वो आके आपसे बोलेंगे भाई लाइसेंस दिखाएं, तो उसके बाद आपके पास नहीं हो तो मसला बन जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे 1,000 रुपये की पर्ची है, उसमें तीन लगा सकते हैं राड फिशिंग के लिए। ये आप देख लें, घास वास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, ये आपने खुद अपनी केयर, ये देख लें कचरा शचरा फेंका हुआ है लोगों ने, इससे पता चल जाता है कि लोग आ रहे हैं। ओ वाह, कचरे के अलावा भी और काफ़ी यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ये देखें जी, ये व्यू है। तो यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हैं अपनी फिशिंग। और ये सामने गांव है बने हुए इनके। इसके अलावा दूसरी साइड में मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो ये व्यूअर दरबार है, और ये वाला हिस्सा जो है इसमें भी काफी ज्यादा लोग यहाँ पे बैठे होते हैं जो फिशिंग कर रहे होते हैं यहाँ पे इस एरिया के अंदर। आज का दिन सैटरडे है, आज पता नहीं क्यों नहीं है रश, जुम्मे वाले दिन इधर जुम्मे को होता है रश काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 4-5 लोग हमेशा यहाँ पे बैठे होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, एक नया पॉइंट, अगर आप लोग यहाँ आना चाहें तो आप आ सकते हैं।